नमस्ते और स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल में फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे भाइयों की, जो अभी नए नए जिम जा रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आते होंगे कि हमारी बॉडी जल्दी से कैसे बनेगी, हमारी बॉडी पे मसल मास कैसे हम जल्दी पुटन कर सकते हैं, हमारी बॉडी पे मसल मास को हम किस तरह से बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे ही वर्कआउट और कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ डाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने बॉडी पे बहुत जल्दी अपनी मसल मास को पुटन कर सकते हो। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारी वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक। इसी वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेशन टिप्स आप सभी के साथ। सो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको वर्कआउट के बारे में बताने वाला हूँ, अपनी बॉडी में कौन सी मसल पार्ट को आपको हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग करना है ताकि हमारी बॉडी में बहुत ही जल्द से, बहुत ही स्पीड से हमारी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेंगी ताकि हमारी बॉडी पे मसल मास बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे जो लोग हफ्ते में एक ही बार अपनी लेग को ट्रेनिंग करते हैं, तो मेरे मानना ये है कि हफ्ते में 2 बार, अगर आप 2 बार हफ्ते में 3-3 दिन की गैप में अगर आप अपनी लेग मसल को ट्रेनिंग करेंगे तो अपनी लेग मसल बहुत ही बड़ा मसल होती है। आपको ऐसे ही देखना है, ऐसे ही यहाँ से ऊपर में देख सकते हो, यहाँ से ऊपर में अगर आप हम लोग 5 दिन या 6 दिन देंगे इसी इतने पार्ट को हम ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमारी बॉडी में पूरा आधा 50% हमारी लेग होता है। लेग में बहुत सारी मसल रहते हैं जैसे कि हमारे काल्व होते हैं, क्वाड और हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ये सारी मसल को आपको हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। इसी मसल को अगर आपने हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग करेंगे तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगी जिससे हमारी मसल मास जल्दी से ग्रोथ हो सकता है, ये मेरा मानना है। आप एक बार जरूर इसे ट्राई करके देखिए, हफ्ते में 2 बार अपने लेग को ट्रेनिंग कीजिए ताकि हमारी बॉडी में मसल मास बहुत ही जल्द से ग्रोथ हो सकता है। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये था कुछ वर्कआउट, हफ्ते में आपको दिन 2 बार लेग की वर्कआउट लगाना है ताकि बॉडी में बहुत जल्दी आपको चेंज देखना शुरू हो जाएंगी। तो दूसरा है हमारी डाइट। डाइट पे अगर आप नॉन वेज हो तो आप अपनी डाइट में थोड़ा एग्स को थोड़ा बढ़ा लीजिए, एग्स को जितने भी आप एग्स ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। ये भी हमारी बॉडी में बहुत ही फास्टली हमारी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए काम करती है। और दूसरी बात, अगर आप नॉन वेज और वेजिटेरियन हो तो आप अपनी डाइट पे अपनी जिंजर ऐड कर सकते हो। नॉन वेज है तो आप एग के साथ जिंजर भी ऐड कर सकते हो अपनी बॉडी में बहुत ही फास्टली, ये हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्प होता है। तो ये था कुछ डाइट्स, जितने भी आप नॉर्मल डाइट से भी लोग बना रहे हैं तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपको ऐड करना है एग और जिंजर, ये हमारी बॉडी पे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बॉडी को लेवल को थोड़ा बढ़ा लेती है। तो आपको वर्कआउट करना है अपनी लेग मसल को हफ्ते में 2 बार, इसको दबा के लेग वर्कआउट लगाना बहुत जरूरी है भाई। स्क्वाट, आप स्क्वाट लगा सकते हो, स्क्वाट्स लगा लीजिए, लेग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, बहुत सारी वर्कआउट्स लेग की बहुत ही वर्कआउट आपको करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपनी बॉडी में बहुत ही जल्द से जल्द चेंज देखना जरूर शुरू हो जाएंगी। तो डाइट है ये, डाइट कुछ आपको नॉन वेज में अगर आप एग ऐड कर सकते हो, वेजिटेरियन हो तो थोड़ा जिंजर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। उसके साथ ही साथ अपनी प्रोटीन इंटेक को आपको ध्यान रखना जरूरी है। सप्लीमेंट्स में आप मल्टीविटामिन यूज कर सकते हो, मल्टीविटामिन एक अच्छी सी ब्रांड की, कोई भी सप्लीमेंट्स की ब्रांड की आप अच्छी सी मल्टीविटामिन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके साथ आप विटामिन सी भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, और एक हेल्दी डाइट के साथ आप अपनी वर्कआउट करेंगे तो जरूर आपकी मसल मास ग्रोथ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इतना नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में बॉडी बन जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, आपको 1 साल 2 साल तो खुद को देना जरूरी है। उसके बाद एक हेल्दी डाइट के साथ ही साथ अपनी वर्कआउट, एक प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट के साथ ही साथ प्रॉपर रेस्ट में अपनी बॉडी को धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको हफ्ते में 2 बार अपनी लेग मसल को ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ, लेग मसल को आपको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, मेरी मानना ये है। तो अगर आपको वो किसी भी पार्ट को वर्कआउट की वीडियो आपको जरूरी है तो मुझे कमेंट पे पूछिए, मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो बना के लाऊंगी, आपको हर एक मसल पार्ट को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए वीडियो लेके आऊंगी आप सभी के सामने। तो इसी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी के साथ मैंने शेयर करी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, फ्यूचर पे जब भी फिटनेस के रिलेटेड वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारी नेक्स्ट।